हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश यह कहानी पढ़ेंगे। इसमें जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर व खरगोश की कहानी है। खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के जानवरों की शेर से रक्षा की थी। आइए अब आगे कहानी पढ़ते हैं। किसी वन में भासुर नाम का एक सिंह रहता था। सिंह यानी शेर कहाँ रहता था? जंगल में। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे और उससे यानी शेर से निवेदन किया, प्रार्थना की, वनराज यानी वन के राजा, प्रतिदिन अनेक प्राणियों यानी जानवरों को मारने से क्या लाभ, यानी आप हर दिन प्राणियों को मारते हैं और कई प्राणियों को, अनेकों प्राणियों को आप मारते हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलता है? आपका आहार, आहार यानी भोजन, तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। यानी एक जीव को अगर आप खा लोगे तो आपका आहार यानी पेट तो भर जाएगा। आहार यानी भोजन एक जीव है, अतः प्रतिदिन यानी हर रोज, प्रतिदिन यानी हर रोज एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। किसके पास आ जाया करेगा? शेर के पास। वन का जो राजा है शेर, उसके पास एक पशु आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम, मेहनत, परिश्रम यानी मेहनत, बिना परिश्रम के आपका जीवन, किसका जीवन? शेर का जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश यानी समूह में विनाश, विनाश यानी खत्म होते थे। जंगली जानवर खत्म हो जाते थे इकट्ठे काफी सारी मात्रा में, विनाश भी नहीं होगा क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। किन की बात मान गया? जानवरों की। जो जंगल के जानवर शेर के पास गए थे उनकी बात कौन मान गया? शेर, वन का राजा शेर। तब से वन्य प्राणी, वन्य यानी जंगल के जो प्राणी निर्भय, बिना भय के, निर्भय क्या होता है? बिना भय के, भय का विलोम हो गया निर्भय, होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। किसकी बारी आई? एक खरगोश की। क्या बारी आई? कि उसे उस दिन राजा के का भोजन बनना था। खरगोश सिंह की गुफा, गुफा क्या होती है? जहाँ शेर रहता है,
की ओर चल पड़ा। कौन चल पड़ा? खरगोश। किंतु मृत्यु, मृत्यु होती है मरना, मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। यानी मौत के डर से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। किसके पैर नहीं उठ रहे थे? खरगोश के। उसे डर लग रहा था कि आगे जाते ही शेर तुझे खा जाएगा। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। कौन भटकता रहा? खरगोश। कहाँ भटकता रहा? जंगल में। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कुआं। किसको? खरगोश को। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया। किसके मन में? खरगोश के। कि क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। किसने सोचा? खरगोश ने सोचा कि शेर को उसकी परछाई, परछाई यानी छाया, शेर को अपने कुएं के अंदर खुद की परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। कौन पहुंचा? खरगोश। किसके पास? शेर के पास, सिंह के पास। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। यानी उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। किसको? शेर को। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थीं। समय निकल रहा था भोजन का। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा। यदि कोई पशु नहीं आएगा तो वो खुद शिकार पर चल देगा। और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। किसको प्रणाम करके बैठ गया? राजा को। राजा कौन? सिंह। शेर को प्रणाम करके कौन बैठ गया? खरगोश। अभी हमने आधा पाठ पढ़ा है, आगे अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। आधा पाठ अगले पीरियड में पढ़ेंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? रोजाना। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? रोजाना, हर रोज। आहार, आहार क्या होता है? भोजन। आहार क्या होता है? भोजन। परिश्रम, परिश्रम क्या होता है? मेहनत। परिश्रम क्या होता है? मेहनत। क्या होता है परिश्रम? मेहनत। निरंतर, निरंतर क्या होता है? लगातार। निरंतर क्या होता है? लगातार। निर्भय, निर्भय क्या होता है? बिना भय के। निर्भय क्या होता है? बिना भय के। व्याकुल,
व्याकुल होता है बेचैन, व्याकुल क्या होता है बेचैन। व्यर्थ, व्यर्थ क्या होता है बेकार, व्यर्थ क्या होता है बेकार। बलशाली, बलशाली क्या होता है ताकतवर, बलशाली क्या होता है ताकतवर। नष्ट, नष्ट क्या होता है बर्बाद, नष्ट क्या होता है बर्बाद। असाध्य, असाध्य क्या होता है जो साधने के योग्य नहीं, कठिन। असाध्य क्या होता है जो साधने के योग्य नहीं, कठिन। अब ये शब्दार्थ जो हैं वो आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखोगे साफ सुंदर हैंडराइटिंग में और बोल बोल कर, जिससे ये आपको याद हो जाएंगे। दिन में आपको 2-3 बार इनको रिवीजन करना है। अब ये आपका यहाँ आज का लेसन इतना ही करवाएंगे। धन्यवाद।